तो आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है 106, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है फोर्स, उसमें से हम जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बल निकाल, मतलब फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम मतलब बल प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है यूनिट पढ़ने से बल, बल की यूनिट है उसी में से टॉपिक देंगे फोर्स सिस्टम, मतलब बल निकाल। बल निकाल क्या होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बल निकाय क्या होती है कि बल निकाय की परिभाषा है, यदि किसी इसकी परिभाषा के अनुसार ये कह रहा है कि किसी दृढ़ पिंड में एक साथ अनेक बल कार्य कर रहे हैं, तो उन बलों का जो समूह होता है उसे हम बल निकाय कहते हैं। जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि किसी दृढ़ पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य कर रहे हैं, मतलब जैसे कि एक कोई जैसे मान लीजिए कोई पिंड है या कोई प्लेन है, ये इस पे एक साथ कोई बलों का जो समूह है वो कार्य कर रहा हो तो उसे बल निकाय कहते हैं। मतलब इसमें कोई बलों का समूह है, ये कोई बल है, ये कोई एक बल है, ये कोई एक बल है, ये कोई एक बल है, कार्य करें तो ये जो सिस्टम जो है उसको अपन और सिस्टम कहते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है जो अपन आगे इसके जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, ये अलग, ये अलग अलग बिंदुओं से निकल रहे हैं पर ये एक ही पिंड पे एक ही तल पे हैं, तो ये इस तरह के टाइप है जो पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है सिंपल डेफिनेशन का कि किसी जो दृढ़ पिंड पर एक साथ अनेक बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो उन बलों का जो समूह होता है ना उसको हम फोर्स सिस्टम कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। तो हम अब इसके जो है टाइप पढ़ने वाले हैं कि टाइप कितने टाइप के होते हैं। मेनली ये जो है दो टाइप्स के होते हैं, पहला तल के आधार पर जो ये तल होता है अभी आप पढ़ने वाले हैं तल के आधार पर, और दूसरा होता है मूल मूल बिंदु के हिसाब से। तो दोनों इसके टाइप पढ़ने वाले हैं।
इसको दो भागों में हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है इसमें सरल कुल आधार पर, मतलब प्लेन के आधार पर, मतलब टाइप ऑफ प्लेन। प्लेन कैसे देखा कि दो टाइप होते हैं इसमें। पहला होता है को प्लेनर, दूसरा होता है नॉन को प्लेनर, दूसरा होता है इसमें मिनिमम स्थिति प्लेनर। जो होता है पहला है आपके कौन का रहता है, दूसरा है नॉन कौन का रहता है, ये कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर क्या होता है कि कोप्लेनर होता है आपके एक ही तल में, इसको लिखा देता हूँ मैं, तले अपन एक एक तरह से बदल देते हैं। का मतलब होता है एक ही तल में, मतलब ये एक ही तल का मतलब क्या है कि कोई जैसे कोई ये प्लेन है तो ये एक ही प्लेन हुआ। अभी अब इसमें नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है, एक ही अलग अलग तल में, अलग अलग तल का मतलब क्या है, किस किस तरह का प्लेन होना चाहिए जिसमें एक से ज्यादा तल हो। एक से ज्यादा तल कैसे हो सकते हैं ये देखना। ये कोई बॉक्स है, बॉक्स की समझ सकते हो आप या कमरा समझ सकते हो कि कमरा है कोई, तो कमरे में क्या होता है कि एक तो छत होती है ऊपर वाली, एक नीचे वाला प्लेन हो गया, एक तो छत वाला अलग प्लेन हो गया, एक जो जमीन में है वो एक प्लेन हो गया, साइड की दीवारें अलग प्लेन हो गई जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में और आमने सामने है वो दो प्लेन हो गए, कुल मिला के उसमें छह प्लेन हो गए। तो इनमें इसका मतलब है कि अलग अलग तल में, इसमें ये देखो कि एक तल तो ये हो गया, ये पहला तल मान लेते हैं, एक तल आपको ये दिख रहा है ये वाला ये दूसरा तल हो गया, एक तल ये है ये तीसरा तल हो गया, एक तल ये है ये चौथा तल हो गया, एक आगे पीछे वो अभी इसमें ये वाला तल होता है, एक पीछे वाला तल होता है, ये कुल मिला के इसमें छह तल हो जाते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है कि आप को प्लेनर का मतलब समझ गए कि एक ही प्लेन है, इस तरह का कोई एक ही प्लेन है तो ये को प्लेनर है, और नॉन को प्लेनर है मतलब इसमें जिस भी पिंड में निकाय में जो है एक से ज्यादा तल हो वो नॉन को प्लेनर हो गया। तो ये इसके दो टाइप होते हैं तल के आधार पर। दूसरा है बिंदु की स्थिति के अनुसार, दूसरा टाइप है, इसमें भी सब टाइप है, दो टाइप सब टाइप है, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है इसमें क्या है, इसमें दो टाइप है, पहला है कौन करंट का मतलब क्या होता है
कि एक ही जो है आपके बिंदु से, एक ही बिंदु से निकलना चाहिए। इसका मतलब होता है कौन कहेगा एक ही बिंदु से। इसका मतलब इसको अपन ये भी कह सकते हैं संगम, जो अपन हिंदी में बोलते हैं इसको, या संगम, एक ही बिंदु से या संगम कोशिश, एक ही बिंदु से निकलने वाले शब्द वो उनको अपन संगामी बल कहते हैं। अब इसमें दूसरा होता है ये, इसका जो है उदाहरण जैसे होगा कि एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से, ये एक बिंदु है कोई मान लो, इससे जो है कई सारे जो है बल निकल रहे हैं, इसको अपन क्या कहेंगे कौन करंट फोर्सेस, मतलब एक ही बिंदु से, इसमें कोई बिंदु चेंज नहीं हुआ, इसी बिंदु से सारे जो है फोर्सेस निकल रहे हैं, तो वो संगामी बल होते हैं। अब इसमें जो दूसरा टाइप है वो है नॉन कोकरेंट, इसमें क्या होता होगा नॉन कोकरेंट मतलब एक ही बिंदु से नहीं है, मतलब अलग अलग बिंदु से, ये इसका मतलब है अलग अलग बिंदु से, ये हो गया नॉन कोकरेंट। अब नॉन कोकरेंट में कैसे होता होगा कि अलग अलग बिंदु से, अलग अलग बिंदु से मतलब कोई बल जो है वो ऐसे एक इस बिंदु से निकल रहा है, कोई बल एक इस बिंदु से निकल रहा है, कोई एक बल इस बिंदु से निकल रहा है, कोई बल एक इस बिंदु से निकल रहा है, मतलब ये अलग अलग बिंदु है, इसमें एक नहीं है। इस वाले केस में क्या था कि ये एक ही बिंदु से अलग अलग जो है फोर्स निकल रहे हैं, इसमें ये एफ बल निकल रहा है, ये एफ बल निकल रहा है, ये इसमें एक ही बिंदु से निकल रहे थे सारे बल F1, F2, F3, F4 है ना, और तो ये संगामी हो गया था, और ये इसमें एक एक इसी बिंदु से निकल रहा है, 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 तो ये अलग अलग बिंदु से हो गए, तो ये नॉन कोकरेंट फोर्सेस हो गए, जिनको अपन असंगामी बोलते हैं, असंगामी बल। आपको ये जो दोनों टाइप में आपको समझ में आए, पहला जो अपन तल के आधार पर पढ़ा था, जिसमें तल के आधार पर पढ़ा था उसमें एक कोप्लेनर था एक नॉन कोप्लेनर था, तो एक में जो कोप्लेनर था उसमें क्या था कि आपको एक ही तल से निकल रहे हो, तो वो कोप्लेनर हो गया एक ही तल में हो। दूसरा है नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग तल में हो, तो वो नॉन कोप्लेनर हो गया, वो तल के आधार पर दो टाइप हो गए तल के आधार पर। अब दूसरा जो टाइप पढ़ रहे थे उसमें के हिसाब से, इसमें इसमें भी दो सब टाइप हो गए ए और बी। ए में है कौन करंट फोर्सेस, मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाले बल, एक ही बिंदु से कैसे निकलेंगे बल, कि एक ही बिंदु से ये बिंदु कोई है उससे एफ वन निकला, ये एफ टू, इस तरह के जितने भी बल निकल रहे हो एक ही बिंदु से निकल रहे हो वो कौन करंट फोर्सेस कहलाते हैं, संगामी बल कहलाते हैं वो। जो अब दूसरा टाइप है इसमें नॉन कोकरेंट, नॉन कोकरेंट का मतलब क्या है कि अलग अलग बिंदुओं से निकल रहे हो, जिसका बिंदु एक ही नहीं हो बल के निकलने का, वो होते हैं नॉन कोकरेंट फोर्सेस। जिसमें मान लो कि ये देखो एक बल इसमें से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक मतलब भाई अनगिनत हो सकते हैं जितने, पर वो अलग अलग बिंदुओं से निकलेंगे, वो अगर एक ही बिंदु से निकल लग गए तो वो कौन करंट फोर्सेस हो जाएंगे। तो ये दोनों टाइप हो गए। अब ये क्या है कि ये जो दोनों टाइप हम मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका जो है वास्तव में क्या होता है, परिभाषा है इसकी कि किसी दृढ़ पिंड में एक साथ अनेक बल कार्य कर रहे हैं, है ना, दृढ़ पिंड मतलब प्लेन, कोई एक प्लेन उस पर एक साथ अनेक बल कार्य कर रहे हो तो उसको अपन बल समूह कहते हैं, मतलब दोनों जो बल, दोनों जो चीजें हैं, एक तो उसमें प्लेन भी होना चाहिए और एक होना चाहिए उसमें
बलों का जो समूह भी होना चाहिए, तो दोनों को जो कंबाइंड करके जो अपन बनाते हैं ना, वही वास्तव में जो है बल निकाय कहलाता है, फोर्स सिस्टम कहलाता है ना। तो फोर्स सिस्टम कैसे कहलाता होगा कि आपको दोनों वास्तव में दोनों प्रणाली कौन सी जो बल के आधार पर प्लस बिंदु के स्थिति को मिलाकर बल प्रणाली करते हैं। आया समझ में कि दोनों जो चीजें हैं आपके जो एक तल और एक बिंदु, मतलब दोनों को मिला के ही जो है फोर्स सिस्टम होता है। अब ये जो फोर्स सिस्टम होता है उसके दोनों जो प्रणालियों को अपन मिलाएंगे तो उनमें कैसे कैसे कंडीशन होगी वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहली है आपके दो प्रणालियों को मिला रहे हैं ना, पहला आपने जो इसका जो पढ़ेंगे वो है इसको ये है आपकी को लेना, दोनों प्रणाली को मिला रहा हूं। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में जैसे कि दोनों प्रणाली को प्लेनर और कोण करंट फोर्सेस, पहला सिस्टम ये हो गया आपके। अब इसमें क्या है, पहला है को प्लेनर मतलब एक ही, आपको अभी परिभाषा बताया था मैंने कि को प्लेनर का मतलब एक ही इसको क्या एक बार इस सिस्टम को बार बार रखने की जरूरत नहीं है, आपको इनके जो दोनों अलग अलग जो पार्ट है उनको समझना है। कोण करंट, कोण करंट का मतलब क्या होता कि आपके एक बिंदु से इसकी परिभाषा क्या है, क्या कहती है, एक ही तल होना चाहिए और एक ही बिंदु से जो है वो गुजरना चाहिए। तो अपन ऐसी ऐसी प्रणाली बनाने वाले हैं। तो पहला कहता है कि एक ही प्लेन में एक ही तल बनाना है, एक ही तल होना चाहिए। दूसरा है, अब दो प्रणालियों को अपन जो है मिला के बनाते हैं। देखो पहली प्रणाली होगी को प्लेनर, एक ही तल में होना चाहिए, एक ही तल बना दिया अपने। अब होना चाहिए को करंट, मतलब एक ही बिंदु से निकलना चाहिए, एक ही बिंदु से बल निकाल निकलना चाहिए। तो अब इनका जो अपन ने जो वास्तव में इसकी जो परिभाषा पढ़ी थी उसका क्या था कि दो प्रणालियों को एक साथ मिला के जो बल बनती है वही बल प्रणाली कहलाती है। इसमें एक ही तल और एक ही बिंदु से, ये एक ही बिंदु से निकल रहे ना, इस बिंदु से एक ही बिंदु से, तो इसका जो कंबाइंड स्वरूप होगा वो क्या होगा कि ये ये जो कंबाइन बना है ये है आपकी को प्लेनर को करंट फोर्सेस। इसमें ये जो है मैंने आपको ये समझाने के हिसाब से बताया है, बाकी मेन जो जो है बल प्रणाली का स्वरूप यही बनता है। इसको तो आप समझने के हिसाब से ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हो। दूसरा है इसमें आपने पहला आपने लिया को प्लेनर और कोण करंट, मतलब एक ही तल से और
एक ही बिंदु से, तो दूसरा टाइप बनाने के लिए क्या है वो प्लेनर एक ही तल में, और अब इसको मैं चेंज करता हूं दूसरा प्रकार का वो होगा नॉन कौन करंट फोर्सेस। ये मैंने क्या कर दिया कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या समझ में आता है सीधा सा, एक ही तल में होना चाहिए, एक ही तल में, ठीक है। अब दूसरा है नॉन कोकरेंट, नॉन कोकरेंट इससे क्या समझ में आता है, नॉन कोकरेंट मतलब अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग बिंदुओं से ऐसा मिला, अलग अलग बिंदुओं से। इसको अपन क्या है संज्ञा हो गया ना, ये तो अब इसका क्या स्वरूप बनेगा, एक ही तल में, एक ही तल में से क्या समझ आता है कि एक ही प्लेन बनाना आता है वो, और अलग अलग बिंदुओं से होना चाहिए। अलग अलग बिंदुओं का मतलब क्या है कि आपके कोई जो बल है वो निकल रहे हैं वो अलग अलग बिंदुओं से निकल रहे हैं, ये कोई यहां से निकल रहा है, ये इस बिंदु से निकल रहा है, कोई इस बिंदु से निकल रहा है, ये निकल रहा है, कोई ये इस बिंदु से निकल रहा है, ये यहां जा रहा है, ये हो गया एफ वन एफ टू मान लो एफ थ्री मान लो। तो ये सब बल जो है अलग अलग बिंदु से जा रहे हैं, अलग अलग बिंदु मतलब ये बिंदु इस बिंदु से जा रहा है, एक इस बिंदु से जा रहा है, एक इस बिंदु से जा रहा है, एक इस बिंदु से जा रहा है। तो अब इसका जो है कंबाइंड जो है वो क्या बनेगा, ये एक यहाँ से जा रहा है, 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 आप अपनी मर्जी से किधर भी दिखा सकते हो, जरूरी है लाइन इसी तरह से खींचे। अलग अलग बिंदुओं का मतलब है कि आप अलग अलग बिंदुओं में कैसे लाइन बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, अलग अलग बिंदुओं से कैसे जा रहा है आपको उसको करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक ही तल में अलग अलग बिंदुओं का प्रकार। अपन जो है तीसरा प्रकार चल रहा है, ये दोनों समझ में आपने, दो प्रकार हमने पढ़ लिए। अब तीसरा जो प्रकार है वो कैसे बनेगा, अपने पहला बना कोप्लेनर कौन करंट मतलब एक ही तल में एक ही बिंदु से, दूसरा बना अपने एक ही तल में अलग अलग बिंदुओं से। तो अब क्या करेंगे अपन तल को चेंज कर देंगे, तीसरा प्रकार बनाएंगे इसका अपन नॉन कोप्लेनर कौन करंट। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ये किया है मैंने प्लेन चेंज कर दिया और एक ही बिंदु से रखा है। नॉन कोप्लेनर का मतलब अलग अलग करंट, ठीक है ना। कौन करंट का मतलब क्या है, कौन करंट एक ही बिंदु से, ठीक है। एक ही बिंदु निकलने वाले बल, तो इसका जो अपन जो है इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि अलग अलग तल होना चाहिए। अलग अलग तल मैंने अभी बताया था कि किस तरह था, एक बॉक्स था, एक कमरा है, उसमें अलग अलग तल होते हैं, ऊपर वाला छत का एक तल हो गया, जमीन वाला एक अलग हो गया, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग बॉल्स है तो वो अलग होगी, आमने सामने का वो अलग होगा। तो इस तरह से ये मान लो कि बॉक्स है, बॉक्स ये कोई डिब्बा बॉक्स, ये डिब्बा है, तो इसमें कितने तल हो गए, एक तल ये हो गया, ये
सोचो इस तरह से कि ऊपर का मन ऊपर वाला हिस्सा आया सकता, ये साइड की दीवार है मान लो, ये दूसरा तल, ये जमीन वाला हिस्सा है, ये चार की दूसरी दीवार है, ये चार। तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा तल हो गए, अलग अलग तल हो गए, अलग अलग तल, ये वाला अलग अलग तल हो गए ना। अब दूसरा क्या है इसमें, कौन करंट, मतलब एक ही बिंदु से निकलने चाहिए, कौन करंट, कौन करंट मतलब एक ही बिंदु, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु से निकलने चाहिए, एक ही बिंदु से निकलने चाहिए, एक ही बिंदु से निकलने चाहिए, ये दो, ये दो, एक ही बिंदु से निकले ना, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, एफ फाइव। तो इसके बाद जो है स्वरूप क्या होगा, ये इसके एक कोने से निकल रहे हैं मान लो, ये कोई एक जो है कपड़े का कोई कोना मान लो, सोचो उसको, तो उसके एक कोने से निकल रहे हैं, एक बिंदु जा रहा है छत की तरफ, एक जा रहा है दीवार की तरफ, एक जा रहा है सामने वाले दीवार की तरफ। तो ये तीन मतलब एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, एक ही कोने से निकल रहे हैं दीवार, मतलब कमरे के एक कोने से निकल रहे हैं जरूर कोना, तो उसके कोने से वहां से दो तीन चार बल एक साथ निकल रहे हैं, वो एक दीवार के इधर जा रहा है, छत के साइड में जा रहा है, साइड वाले दीवार में जा रहा है। तो ये जो है ये किसका प्रकार हो गया, अपने नॉन कोप्लेनर और कॉनकरेंट, मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग तल में हो गया और एक बिंदु से हो गया। तो ये जो ये बना रहा हूँ मैं, इसमें जो है आपको संबंध के साथ बना रहा हूँ, ये बनाना नहीं है आपको, ये ही इसका स्वरूप होता है, इनको जोड़ के बनाने का जो है उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाए। आपका जो फाइनल जो है डायग्राम है वो ये इस तरह का होगा, ठीक है। अब जो चौथा प्रकार बताइए, तीन पट्टी बचे, पहले दो पट्टी बताइए। अब तीसरा प्रकार बता दें जिसमें था नॉन प्लेन, नॉन कोप्लेनर कोन करंट। अब चौथा प्रकार क्या बन सकता है, पहला बढ़ गया है दोनों समान थे, दूसरे में एक प्लेन तो सेम रखा और उसको चेंज कर दिया, इसमें अपन ने जो है प्लेन को चेंज कर दिया, इसको सेम रखा। अब चौथा प्रकार जो दोनों सेम नहीं होंगे, नॉन कोप्लेनर नॉन कोकरेंट, ये इसका चौथा प्रकार है। ये कैसे बनेगा, नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग तल में, नॉन कोकरेंट मतलब अलग अलग तल में, ठीक है। तो अब क्या क्या समझ में आता है इससे, आप अलग अलग तल में, अलग अलग तल में मतलब तल सकते अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा तल होने चाहिए, ये एक से ज्यादा तल होने चाहिए। तो अपने को इसमें याद आता है कमरा, कमरा डिब्बा को याद आता है। तो ये हो गए इसके अलग अलग, मतलब एक से ज्यादा तल है इसमें और इसके साथ है अलग अलग बिंदुओं से, मतलब अलग अलग बिंदुओं से निकलना चाहिए, ये कोई इस बिंदु से निकल रहा है, 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 मान लो। तो इसका जो है कंबाइन कैसे बनेगा, तो इसमें क्या है देखो कि क्या कंडीशन है, पहले अलग 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 तल में होना चाहिए, अलग अलग तल हो गए, अब अलग अलग बिंदुओं से होना चाहिए, अलग अलग बिंदुओं से होना चाहिए, ये अलग बिंदु पे, ये अलग बिंदु पे, मतलब ये छत की तरफ, ये साइड की दीवार से कहीं ऊंचा, ये जैसे कहीं हो सकते। तो ये अपने चौथा टाइप हो गया, चारों टाइप छत में आ गए। इनको याद रखने की जो है आपको जरूरत नहीं, इनको समझना है बस आपको,
समझने की जरूरत है कि चार टाइप किस तरह से होते हैं। एक तो पहला टाइप लेना आपको एक ही तल में और एक ही बिंदु से, दूसरा टाइप क्या होगा एक ही तल में अलग अलग बिंदुओं से, हो गया दूसरा टाइप समझ में आ गया। फिर तीसरे में क्या करना है, तल को चेंज कर दो, एक से ज्यादा तल कर दो और एक ही बिंदु से कर दो। चौथे टाइप में क्या है, एक अलग अलग तल और अलग अलग ही बिंदुओं से। चारों टाइप को आपको याद जो है रटनी जरूरी है, याद आप आराम से कर सकते हो इनको। और इनके जो है वो जो शुरू की कंडीशन बताई थी ना आपको, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर दोनों याद रखने। क्या होता है कोप्लेनर, क्या होता है कोप्लेनर मतलब एक ही तल में, और नॉन कोप्लेनर मतलब एक से ज्यादा तल में, एक से अलग अलग तल में। दो चीज ही होगी, दूसरी है आपके बिंदु के हिसाब से, बिंदु के हिसाब से है तो दूसरा क्या है आपके एक ही कौन करंट और नॉन को करंट, मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाली चाहिए बल तो वो कौन करंट हो गया, और अलग अलग बिंदु से निकलने चाहिए तो वो नॉन को करंट हो गया। चार टाइप आपको याद रखने हैं, बाकी इनको याद रखने की आपको जरूरत है। आप इन्हीं सीखा दोनों पर चारों का जो है कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आपको करना है, कि आपको पहला तो को लेना लेना है और को करना है। ये चारों टाइप आपको समझ में आ गए। इसके बाद एक दो टाइप और होते हैं जो पैरेलल कोड के होते हैं, वो आपको एक टाइप होता है इस बार पैरेलल फोर्सेस नॉन पैरेलल फोर्सेस, मतलब समांतर बल और समांतर बल के केस में कोप्लेनर कोन करंट को लीनियर, ये एक टाइप ऐसे होता है, एक टाइप पर पढ़ लिया ये होता है। इसका पांचवा टाइप समझ सकते हो आप, कोप्लेनर एक ही तल में कौन करंट, मतलब एक ही बिंदु से कौन करंट, मतलब एक ही बिंदु। हिंदी में भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि आप कहते हैं एक ही तल में एक ही बिंदु से, पहला टाइप आपने बनाया था जैसे उसमें, फिर दूसरा बना लो आप एक ही जो है तल से अलग अलग बिंदुओं से निकलने वाले तल, है ना, दूसरा टाइप हो गया। इसी तरह से मतलब आप चारों टाइप कर सकते हो। अब ये है कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में, ये कैसा होता होगा, ये अपन समझते हैं। पहला कह रहा है एक ही तल में, ये एक तल बना दिया मैंने, दूसरा कह रहा है एक बिंदु से निकलना चाहिए, एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए। इसका मैं कंबाइंड आपको तो मैं स्वरूप बना रहा हूँ, चारों टाइप से वो इस तरह से आगे हो सकता है। देखो ये कह रहा है को प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन हो गया, कोन करंट एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए, एक बिंदु बना दिया मैंने, अब ये एक ही लाइन होना चाहिए, ये कर लीजिए इस कंडीशन में, ये होगा आया समझ में कि एक ही बिंदु से निकल रहा है और एक ही लाइन में, इसका कहने का मतलब ये है इस तरह से एक ही प्लेन में एक ही बिंदु से एक ही लाइन में। एक टाइप हो रहा है इसमें को प्लेनर और नॉन कोकरण पैरेलल, ये क्या समझ में आता है कोप्लेनर ये ठीक कर लेना नॉन कोकरंट, मतलब अलग अलग बिंदुओं से अलग बिंदुओं से, पैरेलल मतलब समांतर में, तो ये क्या कहता है होता है कि पहले तो प्लेन एक बना दो अलग अलग बिंदुओं से निकलने चाहिए, ये यहाँ से निकल रहा है इस बिंदु से निकल रहा है इस बिंदु से, ये इस बिंदु से ये निकल रहा है इस बिंदु से,
निकल रहा है इस बिंदु से, तो ये क्या हुआ कि ये समांतर है ना, ये कहीं कटेगा तो ये समांतर का मतलब होता है कि ये जाके जाके मिले कहीं, तो ये आपस में क्रॉस नहीं हो, कटे नहीं, तो ये समांतर होगी ना दोनों लाइन चारों लाइन, तो ये आपके कौन सा टाइप हो गया, कोप्लेनर नॉन कोकरेंट, मतलब अलग अलग बिंदुओं से और समांतर। एक इसमें लास्ट टाइप है कोप्लेनर नॉन कोकरेंट और नॉन प्लेनर, ये क्या कहता है आपने, ये भी कर लेंगे, तो ये इसके जो है आप बल निकाय के अलग अलग टाइप्स हो गए। ये मैंने आपको पूरा बल निकाय आपको अच्छी तरह से समझा दिया। एक चीज इसमें समझने वाली है कि ये जो पहली यूनिट है इसमें फोर्स है, ये बल जो है इसमें आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि पिछली बार आया है कि टाइप ऑफ फोर्सेज और सिस्टम ऑफ फोर्सेज दोनों अलग अलग चीज है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें कि टाइप ऑफ फोर्स में उसमें था कंप्रेशन टेंशन और उस तरह के जो शियर फोर्सेज जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये वो टाइप ऑफ फोर्सेज वो है, ये है फोर्स सिस्टम जो अपन आगे जो है यूनिट स्टार्ट करेंगे, जैसे सेकेंड यूनिट है कोलिनियर फोर्सेज है, तो आपको कोलिनियर समझ में आना चाहिए कि क्या है कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए, और को करंट ये सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसीलिए जो है दोनों चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टाइप ऑफ फोर्सेस बलों के प्रकार, बलों के प्रकार में आपके वो आते हैं कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स शियर फोर्स, मतलब आपके तनाव बल उस तरह के बल जो है वो इसमें आते हैं, और ये है जो आपकी ये है आपके बल निकाय, मतलब जो बलों का जो सिस्टम है ना वो कैसे काम करता है वो ये समझाता है, ये बलों का प्रकार नहीं है, ये बलों को बल कैसे काम करते हैं, बलों का जो निकाय सिस्टम है वो कैसे बनता है वो ये हमें समझाता है। ठीक है, आपको समझ में आया ये, धन्यवाद।